हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एडिनियम प्लांट्स की प्रूनिंग के बाद उसमें मंथ बाय मंथ कैसे ग्रोथ होती है और उसमें आपको पानी कब कब देना है और फर्टिलाइज़र कैसे कैसे देना है, और ये भी बताऊंगी कि एडिनियम की प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है। एडिनियम की प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी होती है, अगर आप अपने प्लांट में ढेर सारे फूल पाना चाहते हैं तो एडिनियम की प्रूनिंग करने से क्या होता है, उसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज आ जाती हैं। जैसे यहाँ मेरे पेड़ों में आपको शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मेरी प्लांट्स में बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज आ गई हैं और बहुत सारी मल्टीपल कलियाँ भी आ गई हैं। तो इससे क्या होगा, आपके प्लांट में बहुत सारे ढेर सारे फूल आएंगे। मल्टीपल ब्रांचेस आने से आपका जो एडिनियम प्लांट है एक बोनसाई प्लांट की तरह शेप ले लेता है। ये देखिए, ये मैंने वीडियो बनाई है 20 फरवरी को 20 फरवरी को मैंने इन प्लांट की प्रूनिंग करी थी, और प्रूनिंग के बाद जो कटिंग वाली ब्रांचेस थी उसमें फंजिसाइड पाउडर भी लगा दिया है ताकि इसमें कोई फंगस अटैक ना हो, और इसमें पानी लगभग मैंने 10 दिन बाद दिया था। और पानी देते टाइम उसमें आप फंजिसाइड पाउडर ज़रूर डालें। और ये देखिए, यह है 5 मार्च की वीडियो, इसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज आ रही हैं, इसमें देखिए ये शो हो रही है यहाँ पे, और इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आने से क्या होगा कि इसमें बहुत सारे फूल आएंगे, तो इसलिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो है आपकी 30 मार्च की, ये देखिए जितनी भी ब्रांचेस आ गई थी इसमें बहुत सारी पत्तियाँ भी आ गई हैं और बहुत सारी कलियाँ भी आ गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी एडिनियम प्लांट्स जो मैंने प्रून किया था और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी आ गई हैं। और ये वीडियो है 28 अप्रैल की, यानी आज की। यहाँ देखिए, अब मेरा 2 महीने का सफ़र पूरा हो गया है और ये मेरा जो प्लांट है ये ढेर सारी कलियों से भर गया है। छोटा प्लांट है, अब इतनी तो कलियाँ आएंगी, ज़्यादा भी नहीं आएंगी, लेकिन ये एक बोनसाई लुक दे रहा है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में बोन मिल, वर्मी कंपोस्ट और पोटास का सही अनुपात में मिक्सचर लेके इसकी गमले की ऊपर की मिट्टी को हटाकर फिर इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग एक गमले में मिक्सचर डालेंगे और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। इसमें पानी डालेंगे, पानी डालते टाइम आप उसमें पानी में फंजिसाइड का पाउडर जरूर डालें लिक्विड बना के, ताकि इसमें कोई फंगस अटैक ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। गार्डनिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।